जुर्म और जयराम को अपनाकर जिन्होंने कभी हथियार थामकर अपराध की दुनिया में कदम रखा, लूट डकैती हत्या जैसे संगीन वारदातों को अंजाम दिया, उन्हीं हाथों की उंगलियां आज मैनपुरी की जिला कारागार में खेती बाड़ी कर सब्जियों की फसल उगा रही हैं। जिला जेल से रिहाई होने के बाद अपराध से तौबा करने वाले ऐसे बंदियों को उनके हाथ गाँव में खेती बाड़ी करने में मददगार साबित होंगे। जिला जेल में पैदा हुई सब्जियां अन्य जिले में भी जेल में भेजी जा रही हैं। मैनपुरी की जिला जेल में तैयार होने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियां पालक, बैंगन, टमाटर, कद्दू, लौकी, तोरी, भिंडी, हरी मिर्च, धनिया, प्याज, कटहल आदि हरी सब्जियां भारी मात्रा में पैदा हो रही हैं। मैनपुरी की जेल में पैदा होने वाली हरी सब्जियां प्रदेश की दर्जनों जेल में भेजी जाती हैं। जेल में निरुद्ध कैदी जो खेती बाड़ी करते हैं उन्हें 25 से 30-40 रुपए तक प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। मैनपुरी के जिला जेल से 1300 क्विंटल से अधिक हरी सब्जियां डीसीए में लादकर प्रदेश के विभिन्न जेलों में भेजी गई। जेल में पैदा होगा मशरूम। मैनपुरी जिला जेल प्रशासन की माने तो जेल के अंदर 6 से 7 एकड़ भूमि पर सैकड़ों क्विंटल हरी सब्जियां पैदा हो रही है। अब मशरूम की खेती करने की तैयारी है। जिला जेल के अंदर पहले से ही शलजम जैसी कीमती सब्जियां पैदा की जा रही है। जेल में निरुद्ध बंदियों की मेहनत रंग ला रही है। पूरे मामले को लेकर जेल अधीक्षिका कोमल मंगलानी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जानकारी मिली है कि आपकी जेल में जो ना भारी मात्रा में सब्जियों का उत्पादन होता है, जो जिले के अन्य जिलों में जो है ना इसका क्रय किया जाता है। ऐसी कौन कौन कितनी सब्जियां हैं और भारी मात्रा में किसकी कौन सी सब्जी है? हमारे यहाँ पिछले 1.5 सालों में हमने कम से कम 1300 क्विंटल सब्जी उगाई है और अन्य जिलों पे उसकी सप्लाई की है। और सबसे भारी मात्रा में अगर हम बात करें तो बैंगन, भिंडी, कद्दू काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ उगाया जा रहा है। और ना सिर्फ हम अपने जेल की आपूर्ति करते हैं, अपने बंदियों का खाना उससे बनता है, बल्कि अन्य कई जेलों पे, इसमें से कैपिटल की जेल जिला कारागार लखनऊ और अन्य बड़ी जेलें जैसे मुरादाबाद, फिरोजाबाद, केंद्रीय कारागार आगरा, जिला कारागार आगरा, एटा, ये कई बड़ी जेलें इसमें शामिल है जहाँ से हमारे यहाँ से सब्जियाँ सप्लाई हो रही है। तो ये लगातार जो इसमें जो बिक्री होती है तो इसमें काम करने वाले कैदियों को कितना मुनाफा हो रहा है? हमारे यहाँ एक बाग कमान है और सरकार की तरफ से व्यवस्था है कि जो भी बाग कमान में कार्य करते हैं उनको हम लोग 25-30-40 रुपए के हिसाब से उनकी वेजेस दी जाती है। और इसमें जो ना जेल को कितना मुनाफा होता है? इसमें ये आप मान लीजिए कि हमें बाहर से कोई क्रय नहीं करनी पड़ती, हम सेल्फ प्रोडक्शन करके सेल्फ। मैनपुरी शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश व जनपद में नंबर 1 स्थान पर है, यहाँ पर अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम दैनिक व्यावासीय से परिपूर्ण है। अगर जनपद में किसी विद्यालय में शिक्षा बच्चों को सुशासन के साथ दी जाती है तो वो विद्यालय सुदिति ग्लोबल अकेडमी मैनपुरी है। अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य देना चाहते हैं तो आज ही इस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। एक ऐसा विद्यालय है जहाँ बच्चे को संस्कार के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराना चाहते हैं। हम बच्चे में फिजिकल के साथ साथ दूसरी सभी एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं। सुदिति ग्लोबल एकेडमी ऐसे बच्चे चाहते हैं तो देश को प्यार करें, देशभक्ति जिनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई हो, जो अपने देश को प्यार के साथ साथ अपने परिवार को, अपने माता पिता को भगवान के रूप में माने, गुरु को भगवान के रूप में माने, जो संसार में जाकर एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाए। सुदिति ग्लोबल एकेडमी मेरे माता पिता और आदरणीय मदन लाल जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ आइए और सुदिति ग्लोबल एकेडमी को एक बार देखिए और अपने बच्चे का भविष्य उज्ज्वल बनाइए। धन्यवाद। विद्यालय में बच्चों के लिए आरओ के पानी की व्यवस्था, खेलने के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था, बैठने के लिए पर्याप्त सीट की व्यवस्था, बच्चों के लिए लैब की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था के अलावा आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से विद्यालय परिपूर्ण है। I promise my parents, my stakeholders that we will provide the best education to their kids which is to be at par with any best school of India. Our main focus is not only the academics but to enrich the skill of our students so it will help them to become a successful person in their life. Along with that, we are also focusing on their other skills like enriching their skills, their passion, their hobbies.
Siddhi Global Academy has its deep root in the field of education in the city of Mainpuri, and I feel so proud and privileged to become part of Siddhi Global family. Students come here with great hope and vision to achieve their dreams, as inspired by the motto of our senior principal, Sir Dr. Ram Mohan, to achieve always high or to aim high. So we always try to make our students a better citizen, not only in the academic, but also to make them aware about their responsibility toward the society. Along with academics, we are also giving a value education to our kids with the Sanskriti and culture of our country, our Mahan Desh, Bharat.